दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने छोटे चैनल पे। दोस्तों मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री पार्ट थ्री वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो जारी कर दिया गया है, इसमें बीए बीएससी बीकॉम छात्र छात्राओं में से केवल बीएससी अर्थात साइंस वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट ही जारी किया गया है आज के दिन। और आर्ट और कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट किस तारीख को जारी किया जाएगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो जितने भी साइंस वाले छात्र छात्राएं हैं वो अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं। आप लोगों को रिजल्ट कैसे चेक करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह इन्फॉर्मेशन मेरे पास जन अधिकार छात्र परिषद के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी के माध्यम से पहले आया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, उसी ने मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के बताया है कि देखिए रिजल्ट जारी हो गया है साइंस वाले छात्र छात्राओं का, ठीक है। तो मैंने भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर चेक किया तो सही में रिजल्ट आ चुका है। यहाँ तो आ चुका है, आप लोगों को यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जैसे ही जाइएगा तो क्लिक हियर पार्ट थ्री रिजल्ट और ब्रैकेट में दिएगा साइंस या ओनली साइंस का, ठीक है। और जो भी 21 है तो 21 ही दिखाएगा ना, तो वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस पर आप लोग क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आप अपना रोल नंबर जो है वो टाइप करिएगा, वही पार्ट वन पार्ट टू वाला पार्ट थ्री वाला पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वाला रोल नंबर, तो वही आप लोगों को टाइप करना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करिएगा तो आप लोगों के जो रिजल्ट है ना वो शो अप हो जाएगा। अभी आप लोगों को थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो ना एक साथ उस साइट पे विजिट कर रहे हैं तो साइट थोड़ा स्लो है। दोस्तों मैं भी चेक किया तो साइट थोड़ा स्लो है, तो आप लोगों को 1 से 2 घंटे के बाद ही आप लोगों को ट्राई करना है, आसानी पूर्वक आप लोगों का रिजल्ट चेक हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का रिजल्ट कैसे आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितना परसेंटेज आपको आया है और किस तरह का रिजल्ट आप लोगों को आया है, तो उससे मैं आप लोगों का अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट किस प्रकार से आया है। केवल साइंस वाले छात्र छात्राएं और कॉमर्स वाले और आर्ट वाले छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, उन छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो बताया गया है वो 3 तारीख बताया गया, तो 3 जनवरी को आप लोगों का रिजल्ट जारी करने की संभावना बताई गई है, तो संभावना है। और लेटेस्ट आप लोग यह समझिए कि 5 तारीख तक कॉमर्स और साइंस कॉमर्स और आर्ट वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी हो जाएगा 100%। तो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से आप लोग चेक कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और कैसे चेक करना है इसके लिए जब साइट पर क्लियर हो जाएगा तब मैं आप लोगों को अपने स्टूडेंट एक्सप्रेस चैनल जो है ना इस वो वीडियो में आप लोगों को अपलोड करके बता दूंगा कैसे चेक करना है, क्योंकि इस आज के दिन जो है इस चैनल पे जो है 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इस कारण से आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। तो स्टूडेंट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, थोड़ा भाई को थोड़ा प्यार जो भी आशीर्वाद है दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप फलना चिल्ला सब साइट सबका उसी में है, आप लोग वहां पर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग इतना जो समझ गए कि साइंस वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी हो चुका है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन जनधिकार छात्र परिषद के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, रिजल्ट कैसा आया वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।